बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा स्थापित रामराज मंदिर चिटाही धाम जिसमें निर्माण को लेकर जमीन संबंधित विवाद आज हिंसक रूप ले चुका है। यह विवाद विधायक ढुल्लू महतो और मंदिर परिसर के ही दुकानदार चिटाही बस्ती निवासी अशोक महतो के बीच है। बता दें कि बुधवार को अशोक महतो ने बरोरा थाना में एक लिखित शिकायत देकर विधायक और उसके गुर्गे पर मारपीट करने और इसके साथ ही अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। लिखित शिकायत में विधायक ढुल्लू महतो, उनकी पत्नी सावित्री देवी, उनके अग्रज शरत महतो और उसके साथी उनकी पत्नी सहित 16 लोगों पर आरोप लगाया गया है। मंदिर था नहीं, वो बोला कि थोड़ा मोड़ा जाएगा आप लोग का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, होना चाहिए, तो बना रहे, उसके बाद बना लिया, उसके बाद बोला जो बचेगा वो आप लोग दुकान कीजिएगा, जिस तरह चलाइएगा हमको कोनो उसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर वही नंगा बोला बन गया, उसके बाद जो थोड़ा मोड़ा जगह हम लोग को बारी उरी बचल था उसमें भवन बना दिया, किसी में अपना अपना सब चीज बनाने लगा, मतलब खाली अपना भवन उमन अपना भाड़ा बैठाने लगा। धीरे धीरे उसका लालच ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा मोड़ा बचल है हम लोग, हम नहीं देंगे, हम लोग देंगे तो मेरा बाल बच्चा भूखे मर जाएगा। पहले खेती कर रहे थे और अभी भुगनी इडली बेच के अपना परिवार का भरण पोषण कर, कार्रवाई होगा, होना चाहिए उसको, उसके ऊपर। किसके ऊपर? विधायक जी ढुल्लू महतो, शरद महतो, सब मिली भगत, सब भाइयों, सब होगा तो हम लोग को तो ऐसा ही मरने, भूखे मरने से वही पर सो के मरेंगे, चाहे वो सबका आदमी आके मारे, चाहे हम लोग वहीं धरना देके बैठ के मरेंगे। वहीं चिटाही बस्ती निवासी एक महिला कोहिता देवी ने पटल महतो पर मारपीट और जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुए मंदिर में पूजा करने पर तिरस्कृत करने का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत भी बरोरा थाने में दी गई है। इस दौरान दोनों पक्ष के घायल महिला को थाना द्वारा इलाज के लिए बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। आवेदन आया है दोनों पक्ष से, इस आवेदन पर जो है वो जांच किया जा रहा है। विवादित भूमि पर 144 की अनुशंसा की गई है ताकि विधि व्यवस्था की जो है समस्या उत्पन्न ना हो, शांति व्यवस्था कायम रहे। वही क्या कुछ कहना है घायल कुंती देवी का वो आपको सुनाते हैं। क्या चाहते हैं, कैसे करेंगे, हरिजन केस में करेगा, हम लोग छोटा कष्ट है कैसे करेगा, नहीं चिन्हेगा कोई जगह, गोली गोली मारेगा हम लोग, छोटा कष्ट ठीक है भाई, हम लोग छोटा कष्ट है, तो वही हम पूछ रहे हैं कि भगवान सबके लिए हाथ से पूजा लाता है ना, बड़ा जात से पूजा लाता है, छोटा ही जात से पूजा लाता है, हमारा ये कहना कहे मत लिए मारेगा, सभी मरना है कि यहाँ जमीन पर हम लोग हाथ। वहीं दूसरी तरफ विधायक ढुल्लू महतो ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है विधायक ढुल्लू महतो ने। हम लोग मंदिर गए, हमारे गार्ड भी थे हमारे साथ, और कोई नहीं थे, गार्ड थे, हमारे एक छोटा सा बच्चा को हम लेके गए थे मंदिर, तो गए उस समय ठेला नहीं लगा हुआ था, दुकान नहीं लगा हुआ था, जैसे हम मंदिर से निकले वहां पे बीच रोड पर ठेला लगाकर रख दिया, जो गाड़ी मेरा पास नहीं हो पा रहे थे, तो हमारे जो अंगरक्षक थे वो उतर कर उनको बोलने लगे, तो उन्होंने सीधा तौर पर उनको गाली गलौज करने लगा तरह तरह के, तो हम भी उतर कर उनको समझाने का प्रयास किए, डांटने का प्रयास, डांटने करे भी उनको कि इस तरह से गलत कर रहे हैं, गलत ये नहीं चलेगा किसी को, मैंने कहा इसमें कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। वही लोग जो पीआईएल करवाया हमारे यहाँ के पूर्व बियाडा के अध्यक्ष विजय झा के द्वारा, वे व्यक्ति जो पीआईएल भी करवाया और वही व्यक्ति ऐसे लोगों को षड्यंत्र करके, आपको हम तस्वीर भी वायरल हुआ है उनके, एक दिन संध्या मतलब जो सुबह घटना हुआ उसके एक दिन पहले शाम को वहां पे बैठक विजय झा के जी के वहां कहीं पे हुआ है, जिसमें अशोक महतो की बीबी सारा इस षड्यंत्र करके रास्ता पर गाड़ी दुकान लगा दिया। या हो हमारा खानदान हो, कोई मेरा घर का सदस्य, कोई या रिलेशन कोई अगर वहां दुकान देता तो बोलता नहीं ढुल्लू महतो या ढुल्लू महतो परिवार अपने रिलेशन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए दुकान देना चाहता है, मगर हमको तो दुकान देना नहीं है। हम लोग भगवान की कृपा, प्रभु श्री राम जी की कृपा से हम लोग सब जगह सब अपना कोई ना कोई कुछ न कर ही रहा है, तो वही लोग कमा रहे थे, वही लोग खा रहे थे, मगर जब विवाद पैदा करे उसका तो भाई कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलना चाहिए। प्रशासन के पास हम लोगों ने 10 बार लिखित दिया, क्यों नहीं करवा रहे हैं, ये झूठा झूठा आरोप छेड़खानी कर दिया तो ये कर दिया, प्रत्येक बार इसी तरह का आदमी करवा जा रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बने रहे लगातार.in के साथ।